और इस सभा में बैठे हुए साथियों, यूनियन के लोगों ने अभी परसों तक, कल तक तो हमको पता नहीं था कि बाबा साहब जैसी हस्ती का जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है। यूनियन के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें ये धन्यवाद के पात्र हैं कि प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और दूसरे लोग हमारे संजीव गिरी, संजय गुजर और दूसरे लोग, उन्होंने जल्दी से अभी हॉल लिया होगा। अभी दो दिन की छुट्टी पड़ गई थी, हो सकता है इसकी वजह से नहीं पता चला हो, और काफ़ी कम लोग आए गए। डॉक्टर रामचंद्र ने अपनी दुविधा ये बताई कि भाई यहाँ बहुत कम लोग हैं। ये सही बात है कि ये हॉल भरा होता समय से बताते, दो तीन चार दिन पहले। पिछले साल डॉक्टर रामचंद्र की देखरेख में जन्मदिन मनाया गया था, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था, उस समय से किया हुआ। साथियों, आज हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब का 127वां जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं। बाबा साहब जैसी शख्सियत, ये मेरे पूर्व वक्ता ने कही, डॉक्टर चौकसी ने कही, ये सही बात है कि देश की बहुत बड़ी विभूति थी। डॉक्टर अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्तित्व थे इस देश के, और वो बहुत बड़े मानवतावादी थे। मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर आप पढ़ेंगे, डॉक्टर चौकसी ने अभी 4 ही किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उनकी पूरी 40 किताबें पढ़ लेंगे तो इस बात को मानेंगे कि इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई मानवतावादी पैदा हुआ नहीं है अभी तक। इस देश को आज़ाद हुए 70 साल, और बाबा साहब को हमारे बीच से गए हुए भी काफ़ी समय हो गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मानवतावादी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। क्योंकि डॉक्टर चौकसी ठीक कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, और उन संगठनों के लोगों ने बहुत अध्ययन किया है डॉक्टर अम्बेडकर साहब का, मैं जानता हूँ। जैसे कि डॉक्टर चौकसी भी वो अपने संगठन की बात मान के बाबा साहब की किताब पढ़ रहे होंगे, इसलिए। साथियों, इस देश में दो बड़ी बातें पैदा हुई, दो महान चीजें हुई। 15 अगस्त 1947 को हमारा ये देश आजाद हुआ, और 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। वो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखा हुआ था, और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये आसपास की ये जो घटना, हमारे देश की जो देश आजाद हुआ उस वक्त की, दो बहुत बड़ी घटना है। साथियों, आप लोग नजर डालते होंगे कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उससे पहले कोई हमारा देश नहीं था, कोई हमारा कंट्री जैसी कोई चीज नहीं थी यहां पर। उनसे पहले यहां पर कबीलाई सिस्टम था, कबीलाई सिस्टम। देश में रियासतें हुआ करती थी, रियासतों के राजा हुआ करते थे, और उन राजाओं के अंदर ही फिर दूसरे उनके सरमाएदार होते थे, और फिर पब्लिक होती थी। तो कोई देश जैसी, कंट्री जैसी चीज नहीं थी। देश में अंग्रेज आए तब अंग्रेजों ने कुछ सिस्टम तैयार किए कंट्री के अंदर। उससे पहले हम अपने देश को देश नहीं कह सकते, कंट्री नहीं, एज ए कंट्री नहीं कह सकते, एज ए होल। जब वो आ गए तो फिर उन्होंने कुछ चीजें तैयार की, डेवलप किए, सिस्टम बनाए। कुछ सिस्टम, कुछ रेलें चलाई, कुछ हवाई जहाज चलाए, कुछ दूसरी बसें चलाई, कुछ सड़कें बनाई, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और फिर ये देश एक कंट्री के रूप में शक्ल लेता गया। 1930 की घटना एक बता रहे थे, 1936 की अभी हेमंत जी, बाबा साहब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बॉम्बे में बनाई थी उन्होंने कुछ समय के लिए, तो उसमें लेबरर्स, मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा शामिल होते थे। तो उस वक्त जो वायसराय की काउंसिल थी, उसमें बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे।
एज ए लेबर उनका मैं योगदान पूरे देश के लिए बताऊंगा और ब्रीफ में बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा, लेकिन मुझे टोकाटाकी नहीं करें, थोड़ी बात मुझे अपनी पूरी रखने दें। बाबा साहब जैसी शख्सियत इतनी छोटी मोटी नहीं है कि आप एक दिन में प्रोग्राम करके और 20 लोगों को बुलवा दें और बोल दें। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, 40 किताबें अपने हाथ से लिखी और 2 किताबें उन्होंने अपने हाथ से बुद्ध धर्म पर भी लिखी, जिसमें भगवान बुद्ध और उनका धम्म और दूसरा गॉस्पेल ऑफ बुद्ध, मीन्स भगवान बुद्ध की 2 किताबें भी लिखे गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब लेबर मिनिस्टर थे बाबा साहब इस देश के अंदर, तो उन्होंने एज ए लेबर मिनिस्टर जो काम किया देश के लिए, सबसे पहला काम किया यहाँ पर 12 से 16 घंटे हुआ करते थे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो जो हेमंत जी बता रहे थे, 12 से 16 घंटे यहाँ के लोग काम करते थे पहले। बाबा साहब ने उसको अंग्रेजों से कह के 8 घंटे कराए, हमें काम करने का समय हमारा 8 घंटे का कराया गया, और पूरे देश के लोगों को, क्योंकि वो किसी एक जात धर्म के, किसी जात धर्म में पैदा होने से ऐसा नहीं माना जाता कि आदमी एक ही जात धर्म का हो जाए, वो पूरे देश के लिए थे, पूरे देश के लिए, और उन्होंने क्या क्या काम किए पूरे कंट्री के लिए, एज ए होल फॉर एवरीबडी। उन्होंने 12 घंटे कराए, फिर जो इंस्टीट्यूशंस होते थे उसमें उन्होंने उसमें मैटरनिटी लीव्स की व्यवस्था कराई अंग्रेजों से, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, मैटरनिटी लीव जो आज हो रही है और बढ़ भी गई है, ये उसी वक्त का परिणाम है। तो वो चीजें सब जो अंग्रेजों ने मान ली एज ए लेबर मिनिस्टर और इम्प्लीमेंट कर दी देश में, वो चीजें बताऊंगा, जो जो चीजें नहीं मानी उनको हम टच नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ था, देश में अकाल पड़ा करता था, कई बार जलो जथा हो गया, कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कई बार आंधी तूफान हो गया, तो उसमें बड़ा नुकसान होता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बांधों की व्यवस्था कराई देश के अंदर, कि हमारे कंट्री के अंदर ना बांध होने चाहिए, भाखड़ा नाकल बांध और दूसरे 2 नाम वो ले रहे थे, वो सब उन्हीं की देन है इस देश में। और बाबा साहब ने प्लानिंग की नदियों को जोड़ने की भी, हालांकि उस वक्त से अभी इस वक्त तक 70 साल में नदियां नहीं जुड़ पाई हैं पूरी की पूरी, लेकिन नदियों को जोड़ने का भी उनका प्लान था। बाबा साहब का प्लान, प्लानिंग कमीशन का बाबा साहब का ही प्लान है इस देश के अंदर, बाबा साहब ने प्लानिंग कमीशन दिया, फिर इलेक्शन कमीशन उन्होंने दिया, इलेक्शन कमीशन कि देश हमारा आजाद हो जाएगा, आपको जब जाना पड़ेगा विदेश तो हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन जैसी चीज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो जिससे इलेक्शन हो सके, तो ये इलेक्शन कमीशन भी बाबा साहब ने दिया था सारा, उसी पर सारा सिस्टम है। और बहुत सारी चीजें देश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस सितंबर 1930 को इंग्लैंड में हुई थी, और उसमें वहां के जो प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी, उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब हुए थे। कई लोगों का ये कहना है कि बाबा साहब का आजादी की लड़ाई में कोई पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, देश आजाद कराने में कोई पार्ट नहीं रहा, ऐसा नहीं है, बाबा साहब का देश आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर बाबा साहब जैसी शख्सियत इस देश में पैदा नहीं होते तो अभी भी देश आजाद नहीं होता 1947 को, ये बता दें, आप समझिएगा इन चीजों से, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की चीज है, मैं कोई नई बात अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बोलूंगा, नई डेट नहीं कोई बोलूंगा। 1930 में फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर साहब शामिल हुए और देश के और नेता भी शामिल हुए, महात्मा गांधी शामिल हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए और 30-32 लीडर शामिल हुए, जिन्ना साहब भी शामिल हुए। उसमें अंग्रेजों के सामने जब बोलने के लिए कहा गया तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को सबसे पहले बुलवाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अंग्रेजों के सामने, उस प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी बात रखी। उससे पहले हमारे यहाँ आजादी का आंदोलन चल रहा था, 1930 से पहले ये इस देश में उथल पुथल मची हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने इन्हीं सब चीजों को सॉल्व करने के लिए बुलाया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो भाषण दिया था वो छपा हुआ है किताबों में, वो सारी चीजें किताबों में है जो डॉक्टर चौकसे ने पढ़ी है। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अंग्रेजों के सामने बड़े बोल्डली इस देश की बात रखी थी,
कि आपने 150 से 200 साल में हमारे देश को कुछ खास नहीं दिया है, कुछ खास नहीं किया है, और आपको जाना चाहिए। आप कोई भी ऑर्डर करें, अब वो समय आ गया है इस देश के अंदर कि हमारा देश उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी कि आप कोई ऑर्डर पास कर दें और हमारा पूरा देश मान ले और आपको हमारे देश से जाना होगा। और बाबा साहब ने बहुत ही कड़े शब्दों में उनकी भाषणा की, जो दूसरे हमारे देश के नेता वहां नहीं रख पाए थे अपनी बात को, आप समझ लीजिए। उस वक्त और उसी दिन वहां के प्राइम मिनिस्टर को यह लग गया था कि हमें देश छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज देश आजाद होने की, 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया है, हिंदू धर्म छोड़ के। उस वक्त जो उन्होंने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया है वो वाली चीज थी 21 साल पहले 1935 1935 की एवला नासिक में एक एवला जगह है, एवला एवला की एक बहुत बड़ी सभा में जिसमें बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, एक उन्होंने घोषणा की थी कि भाई वो धर्म भी इंसान के लिए जरूरी है, धर्म के द्वारा इंसान बंधा होता है और धर्म से समाज बंधा होता है, देश बंधा होता है और उससे समाज की बहुत सारी चीजें चलती हैं। उसमें बाबा साहब अंबेडकर साहब ने, मैं बाबा साहब अंबेडकर साहब का आजादी के इतिहास में योगदान बताऊंगा क्या योगदान था इन चीजों से। तो उस सभा में उन्होंने ऐलान किया था जब हिंदू धर्म में उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए थे, किसी भाई को अत्याचार क्या हुए थे वो भी बताने चाहिए देश में, तो क्योंकि एक आदमी ये सब चीजें नहीं बता पाएगा। उन अत्याचारों से परेशान होने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार है क्योंकि मैं हिंदू हूं, अगर किसी समाज का होता तो नहीं होता। क्योंकि साथियों 1947 से पहले भी, देश आजाद होने से पहले भी सिख धर्म मानने वालों के साथ अन्याय नहीं होते थे, मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होते थे, मुसलमानों को सारे हिंदू हम अपने साथ बिठाते थे, खिलाते थे और कोई जात और वो नहीं मानते थे, कास्टिज्म नहीं मानते थे उनके साथ, क्रिश्चियन थे इस देश में उनसे भी नहीं मानते थे और पारसियों के साथ भी हम गलत व्यवहार नहीं करते थे, और कुछ सो कॉल्ड जो अनुसूचित जात के लोग जो बाद में बनी अनुसूचित जात संविधान में, उनके साथ हम अत्याचार दूसरी चीजें उनके राइट्स नहीं देते थे, उनको दूसरी तरीके से देखते थे। तो बाबा साहब ने एक घोषणा की कि मैं जो है हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ जो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं, जो प्रतिज्ञा वो 21 साल के बाद करवाए 14 अक्टूबर 1956 को पूरी। खैर उन्होंने, पिछले बार मैंने बुद्धिज्म और इस पे बोला था कि उन्होंने बुद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, तो बाबा साहब ने पूरे धर्म का अध्ययन किया, सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि वो मैं हमें क्रिश्चियन बनना चाहिए या मुस्लिम बनना चाहिए या सिख बनना चाहिए या किसी और धर्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बाबा साहब ने एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्रिश्चियनिटी की तरफ भी गया उनका, जैसा उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैं क्रिश्चियन इसलिए नहीं हुआ कि अगर आज की डेट में मैं क्रिश्चियन हो जाता हूं तो उन्होंने पूरे देश के अनुसूचित जात के लोगों का कैलकुलेशन लगाया तो उन्होंने लगाया कि 5 से 7 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। तो उन्होंने कहा कि 5 से 7 करोड़ पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को अगर एक्सेप्ट करेगी तो फिर जो अंग्रेज हैं इस देश में बैठे हुए दूसरे देश के, हमारे देश से आसानी से भागेंगे नहीं, वो जम जाएंगे यहां पर। ये योगदान है बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश की धरती के लिए। तो वो 5-7 करोड़ लोग जब बन जाएंगे तो 7 करोड़ पॉपुलेशन उनकी बढ़ जाएगी अंग्रेजों की, और फिर हमारा देश वो स्वतंत्र करके वो जाएंगे नहीं, यही बैठ जाएंगे। तो क्रिश्चियनिटी को उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी के धर्मों की अलग अलग कहानी है, उन्होंने सबको परखा जांचा और बाद में जाके फाइनली उसका डिसीजन हुआ था। उसके बाद 1930 के बाद जब फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, फिर 1931 में सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, फिर थर्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई,
मैं उन्हीं कुछ पॉइंट को टच करूंगा जो बाबा साहब का इस आजादी के लिए जो योगदान है, देश के लिए जो योगदान है। इसलिए ये बात सही है कि किसी को ये कॉपीराइट नहीं बनाना चाहिए कि बाबा साहब किसी एक जात धर्म के या एक उस कम्युनिटी के नेता हैं, वो पूरे देश के नेता थे। देसाई नहीं, डॉक्टर रामचंद्र ने बताया पूरे ग्लोबल लीडर है। पूरे यूएन ने पिछले साल पूरे साल उनकी जन्म शताब्दी मनाई थी पिछले साल, और यूएस में, यूएन में, जर्मनी में खूब उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, खूब उनकी जन्म जयंती मनती है। वो ग्लोबल लीडर हो गए। उसके बाद जब थर्ड गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में, सितंबर 1932 में, तब बाबा साहब ने पूरे देश की हकीकत रखी। और आपको बता रहा हूं, तीनों गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ही ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने देश को पूरी तरह से बयान किया। अदरवाइज कोई नेता सही से उनके सामने बात रखनी, वहां के प्राइम मिनिस्टर के सामने जब रख नहीं पाते तो फिर कैसे होता, कैसे देश आजाद होता। तो उनको ये पूरा बोल्डली कह दिया था, तुम्हें तो हमारा देश आजाद करना होगा और हर हालत में आजाद करना होगा। और आज मेरा देश ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि आप जो है पूरा ऑर्डर पास करें और मेरा पूरा हिंदुस्तान ये मान लेगा। तो ये उसी वक्त से डॉक्टर अम्बेडकर साहब को समझ गई, प्राइम मिनिस्टर को लगा कि अब हमें इनका देश खाली करना पड़ेगा और ये हमें आजाद करना पड़ेगा। फिर 1932 में फिर गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस हुई, वो काफी दिन चला करती थी, वही रहा करते थे नेता। फिर बाबा साहब के ऊपर भार डाला गया कि आप जो है बात रखिए। जिन्ना ने भी मुस्लिमों की बातें रखी, अपने समाज की बात रखी, सिर्फ उसने मुसलमानों की बात है। मुसलमानों को देश आजाद पहने से पहले कोई चीज है तो सिखों को और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेशन का राइट था अंग्रेजों के वक्त में 1947 से पहले। तो जिन्ना साहब ने उसी सेपरेट इलेक्टोरेशन की बात करी और वहां तक पहुंचे, हमें अपना कंट्री एक दे देना चाहिए, अलग से हमें रहना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेशन 1947 से पहले अंग्रेजों ने मुसलमानों को पहले भी मान रखा था और बाद में भी मान गए। और जिन्ना जो है 1947 आते आते एक देश बनवाने में सफल भी हो गया। तो आप ये समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसी शख्सियत जिन्ना से कमजोर थे किसी चीज में? नहीं, डॉक्टर अंबेडकर साहब जो चाहते वो करा सकते थे अंग्रेजों से मिलकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने क्यों नहीं किया, वो आगे आएंगी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी कॉन्स्टिट्यूशन में। और थर्ड गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में पूरे देश की स्थिति को रखा, लेकिन उन्होंने इस देश को आजाद होने के साथ साथ जो लोग हमारे यहाँ निरीह थे, गरीब थे, वंचित थे, जिनको ह्यूमन राइट्स नाम की चीज नहीं थी, आप सब बहुत सारे लोग जानते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उनका भी वर्णन किया डिटेल में। गांधी जी ने, नेहरू जी ने और सरदार पटेल ने तो यहाँ हिंदुओं का वर्णन किया, लेकिन इनके अलावा भी कुछ लोग यहाँ वंचित थे, उस चीज को बोल्डली रखा। जब बोल्डली रखने के बाद जब आ गए तो गांधी जी फिर यहाँ आने के बाद मिले और भगवान डॉक्टर अम्बेडकर साहब को बड़ा प्रेज किया गांधी जी ने कि आपने अपने देश की चीजें बहुत अच्छे तरीके से रखी और फर्स्ट गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में भी बहुत अच्छे से तरीके से रखी, उस वक्त भी प्रेज किया। और गांधी जी आने के बाद मिले डॉक्टर अम्बेडकर साहब से अहमदाबाद में। उसके बाद जब देश आजाद होने की बात चलने लगी और उनको लगा प्राइम मिनिस्टर को कि भाई इनका देश छोड़ना पड़ेगा और ये हमको जाना पड़ेगा, तब सारे नेताओं को उन्होंने कन्विंस किया कि देखो पूरा हमारा देश आजाद होना चाहिए। और ये अंग्रेजों को भी रखा, अंग्रेजों के सामने भी रखी इंग्लैंड में बात कि देखो आपने भी शोषित, यहाँ के कुछ लोग हैं शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जिनको राइट्स नहीं मिले हैं। जैसे डॉक्टर रामचंद्र कह रहे हैं स्कूल में जाने का राइट नहीं था, दूसरे राइट नहीं थे, मंदिर में जाने का कुछ लोगों को राइट नहीं था, आपको भी अभी पता है, आज भी बहुत सारे लोगों को कहाँ जा पाते हैं, मंदिरों में घुस नहीं पाते हैं, वो दीगर चीजें हैं। उन चीजों को तो खत्म करना है इस देश के अंदर, जिससे हमारा देश ज्यादा विकासशील हो, ज्यादा अच्छा हो, मजबूत हो। 1932 के बाद जब लौट के थर्ड गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, यहाँ पर आ जाते हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं नहीं
उनके लिए आपको नहीं कुछ रखना चाहिए था। बाबा साहब ने एक आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, यहां पर डबल लड़ाई लड़ी है, दो लड़ाई लड़ी है। हम 1947 से पहले हम इस देश के सारे लोग गुलाम थे, किसके? अंग्रेजों के। और वो शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग थे, जिनको राइट नहीं दिया गया था, स्कूल में जाने का राइट नहीं था उनको, इस मंदिरों में जाने का राइट नहीं था, नौकरी करने का राइट नहीं था, पढ़ने का राइट नहीं था, राइट वो कुछ जाते थे विदेश पढ़ते थे, बाबा साहब ने भिजवाया था कुछ लोगों को, तो उन जो राइट नहीं था उस राइट की लड़ाई भी बाबा साहब ने लड़ी थी, डबल डबल आजादी की लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लड़ी है अकेले ने, सिंगल हैंडेडली, उनको साथ देने वाला कोई नहीं था। इसलिए बाबा साहब का इस देश की आजादी में और देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है, कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। नहीं तो ये देश 1947 में आजाद नहीं होता, ये आज देश आजाद हुआ है हमारा सिर्फ और सिर्फ, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि अकेले डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हुआ है, बहुत सारे लीडर्स लड़ रहे थे, बहुत सारे हमारे देश के लोग मर रहे थे, कट रहे थे, शहीद भगत सिंह, दूसरे लोग, दूसरा अपना वो खूनी क्रांति कर रहे थे और ये दूसरी तरफ से लड़ रहे थे, ये दूसरी तरह से अंग्रेजों को कन्विंस कर रहे थे, तो देश आजाद हो गया और उनको भी फिर राइट मिले। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, एक इंटरिम गवर्नमेंट में थोड़ा सा टाइम और लूंगा त्यागी जी चिंतन कर, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर बाबा साहब को इस देश का 1952 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ इस देश में, 1947 में कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, देश आजाद होते वक्त कोई इलेक्शन नहीं हुआ, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ है। इसलिए जब पहले जो गवर्नमेंट थी नेहरू जी जिसमें प्राइम मिनिस्टर बने, उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब को कहा गया कि आप जो है लॉ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, और ये महात्मा गांधी ने किया, ये महात्मा गांधी का था कि भाई ऐसा हमारा लॉ मिनिस्टर हो जो बहुत अच्छी डिग्री रखता हो। उस वक्त हमारे यहाँ लॉ की डिग्रियां थी नहीं, जो भी लोग थे बाहर से, विदेश से बारह अटला पढ़ के आते थे, लंदन से, यूएसए से, वहां से पढ़ के आया करते थे, बाबा साहब बारह अटला थे, लंदन से उन्होंने किया है, तो उनको कहा कि भाई आपको जो है हम लॉ मिनिस्टर बनाते हैं। बहुत सारी चीजें भ्रांतियां हैं दोस्तों, आपने देखी होंगी, बड़ी मरमरिंग होती है, लेकिन आप देख लो कौन लॉ मिनिस्टर बना देगा, अब तो बनाते नहीं है कोई, सेम पार्टी में नहीं बनाते, सेम पार्टी के आदमी को नहीं बनाते, उनमें भी कंट्रोवर्सी होती है, और जो पढ़ा लिखा हुआ अच्छा हुआ उसको तो बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। तो आप समझ लो आज से 70 साल पहले 1947 में डॉक्टर अंबेडकर साहब को पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया, और एज ए लॉ मिनिस्टर उन्होंने क्या काम किया, मैं एक दो मिनट में ही खत्म करूंगा, बहुत सारी चीजें वैसे तो। एज ए लॉ मिनिस्टर उन्होंने सबसे पहले हिंदू कोर्ट बिल लेके आए, कुछ 1947 के बाद 1948 में ही एक साल के अंतराल में ही वो हिंदू कोर्ट बिल लेके आए थे जिस पे उनको रिजाइन करना पड़ा। हिंदू कोर्ट बिल में क्या था, डॉक्टर अंबेडकर साहब का कितना कंट्रीब्यूशन था इस देश के अंदर, हिंदू कोर्ट बिल को पढ़ लो आज, उससे पता चल जाएगा ये डॉक्टर अंबेडकर साहब का दिया हुआ है। जब हिंदू कोर्ट बिल उन्होंने कहा कि देखो यहां हमारा जो महिला है वो भी 50% तबका है, तो उन महिलाओं के अधिकारों के लिए वो हिंदू कोर्ट बिल लेके आए, कोई भी बिल पार्लियामेंट में वो बिल ही कहलाता है, दस्तावेज कहलाता है जब तक वो कानून नहीं बनता है, जब वो बिल पास हो जाता है कैबिनेट से और पार्लियामेंट से तब वो एक कानून की शक्ल लेता है। जब वो बिल लेके आए तो उस पर जो प्रोग्रेसिव लीडर थे उस वक्त भी सारे लीडर प्रोग्रेसिव माइंड के नहीं थे, कुछ बहुत निम्न माइंड के भी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 लेडीज को कैसे अधिकार दे दें सर। बाबा साहब ने उसमें मोटी मोटी चीजें बताऊं क्या रखा था, उन्होंने रखा था कि लेडीज की जो शादी होगी तो पति की संपत्ति में और बाप की संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा, लड़के के बराबर, और उसको जो है वो पूरे अधिकार प्राप्त करेगी इस देश के अंदर हमारे स्वतंत्र भारत में, जो लड़कों को, जो मेल्स को अधिकार प्राप्त हैं वो अधिकार सारे लेडीज को मिलने चाहिए, वो सारे अधिकार बाबा साहब ने 1948 में उस हिंदू कोर्ट बिल में रखे थे। उस हिंदू कोर्ट बिल के अंदर उसके सारे नेता पार्लियामेंट में उसके विपक्षी हो गए, और उसमें
नेहरू जी चाहते थे कि ये पास हो जाए और बाकी के लीडर उसके अंगेंस्ट हो गए। अब क्यों अंगेंस्ट हुए बहुत लंबी कहानी है, वो कहानी हम कभी बाद में बताएंगे, हमारे पास सब है किताबें बाबा साहब की लिखी हुई। तो उनका क्या था कि भाई हम नहीं इसको पास होने देंगे हिंदू बोर्ड बिल को, लेडीज को हम बराबरी का राइट नहीं दे सकते। बाबा साहब ने कहा नहीं, लेडीज को बराबरी का राइट होना चाहिए, इलेक्शन राइट मिलना चाहिए, वो वोट दे सकती हैं। लेडीज को वोट देने के तीन चार चीजें जब रखी उन्होंने तो उन्होंने कहा नहीं, फिर इस बात को मानने को तैयार हुए कि अच्छा इसमें ना अमेंडमेंट करो, लेडीज को वोटिंग राइट नहीं देंगे इस देश में, लेडीज वोट नहीं डाल सकती हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत अपोज किया, क्योंकि वो विदेश में पढ़े थे, विदेश से बहुत सारी डिग्रियां लेके आए थे, डिग्रियां तो इतनी लेके आए थे, अभी डॉक्टर रामचंद्र जैसे बता रहे थे, आज देश में चार बड़े लोग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चारों की डिग्री आज मिला लें, किसी भी जात धर्म क्यों उसमें नहीं जाऊंगा मैं, जात धर्म के अंदर नहीं जाऊंगा, बाबा साहब भी नहीं जाया करते थे, उनकी चारों की डिग्री आज मिला दे तब भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब से उन चारों की डिग्री कम पड़ती, डिग्रियां तो इतनी थी उनके पास, और उन्होंने तीन चार कंट्री से डिग्रियां ली थी, यूएसए से, लंदन से ली, जर्मनी से ली, और बाद में भी एक दो कंट्री पढ़ के आए। तो उन्होंने कहा भाई हम लेडीज को ना वोटिंग राइट भी नहीं देंगे। हाँ फिर नेता तैयार हुए, हम वोटिंग राइट जल्दी इसमें अमेंडमेंट करो, अमेंडमेंट क्या करो कि लेडीज के पास ना कम से कम बैंक में 50,000 रुपए हो। तो बाबा साहब ने कहा कि 50,000 किस लेडीज के पास होंगे अभी जो वोट डालेंगे, वो बाबा साहब ने काटा। फिर कहा कि नहीं उन लेडीज को राइट चलो दे देंगे जो लेडीज इस देश में पढ़ी लिखी मतलब ग्रेजुएट हो, कम से कम बीए पास हो, उनको हम वोटिंग राइट देंगे। बाबा साहब ने उस चीज को भी काटा, उसको भी कहा नहीं हर लेडीज को राइट मिलना चाहिए, हर लेडीज को पढ़ने की बात, प्रॉपर्टी की, अच्छा कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम हो देश के अंदर तो हम उसको वोटिंग राइट देंगे। आप जरा समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब कितनी बड़ी विभूति थे और उनका देश में कितना बड़ा योगदान है, देश के आजाद कराने में और आजाद कराने के बाद भी। आपको बता देता हूं जो अंबेडकर साहब को पढ़ लेगा, डॉक्टर चौकसी साहब ने पढ़ लिया, जो समझ लेगा, जो मान लेगा और जो इनके बताए हुए रास्ते पे चलेगा इस देश में, वो किसी भी जात धर्म का हो, वो तो मैं पहले ही बोल रहा हूं मैं किसी जात धर्म में नहीं जाऊंगा, उसी को फायदा होगा, उसी को लाभ होगा और हर तरीके का लाभ होगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियत ने हर चीज के बारे में लिखा है, कोई चीज छोड़ी नहीं है, जीवन जीने की कला लिखी है, सब कुछ लिखा है, इंसान को कैसे रहना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे व्यवहार कुशल होना चाहिए और कैसे इस देश का विकास होगा। तब वो अमेंडमेंट भी करके ले आए, जब कैबिनेट का अमेंडमेंट करके ले आओ तो फिर हम ये पास कर देंगे हिंदू कोड बिल को, अमेंडमेंट भी कर दिए, फिर भी नेता उसके अगेंस्ट, फिर भी पास नहीं कर रहे। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस पर रिजाइन करना पड़ा था, उन्होंने हिंदू कोड बिल के ऊपर ही अपनी मिनिस्ट्री को रिजाइन कर दिया कि अगर तुम हिंदू कोड बिल इस देश में पास नहीं करोगे तो मैं नहीं रहूंगा मिनिस्टर। हालांकि नेहरू जी उसके बहुत पक्ष में थे और नेहरू जी खड़े हुए कि नहीं हिंदू कोड बिल डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो लाए वो ठीक है हमारे देश के लिए, महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार देता है, ये पास होना चाहिए, अगर आप इस बिल को पास नहीं करोगे तो प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू थे उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन साथियों ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया और ना हिंदू कोड बिल पास हुआ, डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस्तीफा देना पड़ा अपने अपने मिनिस्ट्री से और उन्होंने उसको रिजाइन कर दिया सिर्फ हिंदू कोड बिल के ऊपर ही और वो बाहर हो गए। हालांकि वो बाद में नेहरू ने हिंदू कोड बिल को दो तीन पार्ट में करके पास कराया, हिंदू कोड बिल ये वही है, ये वही ओरिजिनल हिंदू कोड बिल है जो इस देश में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बनाया था, ये वही है, लेकिन तीन पार्ट में ये पास हुआ है बाद में, बाद के सालों में और बाद की सरकारों ने फिर इसको पास किया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान था, अगर कोई महिला हिंदू कोड बिल लिख ले, पढ़ ले पूरा और ये समझ ले कि ये किसकी देन है, कि ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब की देन है, तो मैं समझता हूं इस देश की हर महिला डॉक्टर अम्बेडकर साहब को अपने घर में रख के और किसी को नहीं पूजेगी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को ही पूजेगी, ये समझ लीजिए। बाल काटने का अधिकार, उसका अधिकार, सारे अधिकार डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उस हिंदू कोड बिल में रखे हुए हैं। पहले हमारी लेडीज ना निकल सकती थी, ना अपने पढ़ाई
पढ़ाई कर सकती थी, न स्कूलों में जा सकती थी, उनको राइट ही नहीं थे। तो ये सारे राइट से डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हिंदू कोर्ट बिल के द्वारा देश की महिलाओं को दिलवाए थे। तो आप ये समझ लें कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद ये सारा देश आजाद हुआ 1947 में, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, डॉक्टर अंबेडकर साहब दो बार जीते, फिर एक बार राज्यसभा के एमपी भी बने। उन्हें और बहुत सारी चीज नेहरू जी ने दी देश के विकास की चीजें करने को, वो सारी चीजें जो डॉक्टर अंबेडकर साहब करके गए आज तक अच्छत वो ही चल रही है। यहाँ नांगल वो भाकड़ा नांगल बांध, दूसरे बांध बनाने का सिस्टम, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, मैटरनिटी लीव, काम के घंटे कम किए। काम के घंटे के अलावा भी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जितने इंस्टीट्यूशन से उसमें कैंटीन की भी व्यवस्था कराई। ये इंस्टीट्यूशन में कैंटीन की व्यवस्था उसी वक्त से 1935 से कि नहीं लोग जब काम करेंगे तो चाय वाय भी पियेंगे, नाश्ता भी कर सकते हैं, तो वो भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं आज तक कोई खास चेंज नहीं हुई, सब वही चल रही हैं। उसके बाद उनको 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में 6 मेंबर बनाए गए कि भाई हमारा कुछ संविधान होना चाहिए। ये संविधान की बात भी तीसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932 में प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि बताओ हम तुम्हारे देश को आजाद कर देंगे तो मुझे कोई एक ऐसा आदमी दिखाओ, कोई एक ऐसा आदमी लेके आओ अपने देश से जो तुम्हारे देश के संविधान को कंस्टिट्यूट कर सकता है, और अगर तुम नहीं लाओगे नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे देश को आजाद नहीं करेंगे। जाओ ये 1932 की बात है, थर्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस की। तीन गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई उस प्राइम मिनिस्टर के साथ, रैमजी मैकडोनाल्ड के साथ। तो सारे नेता सब एक दूसरे के मुंह ताकने लगे, अलग अलग होटलों में रहे थे, जाएं मंत्रणा कर लें, 2-3 दिन तक सोचते रहे। फाइनली महात्मा गांधी ने कहा कि कुछ नहीं, आप डॉक्टर अंबेडकर को ले जाओ। और डॉक्टर अंबेडकर को एक दिन प्राइम मिनिस्टर के सामने शाम को ले जाया गया, क्यों? प्राइम मिनिस्टर कुछ जवाब सवाल करना चाहता था देश के बारे में, कोई ऐसे थोड़ी आजाद कर देंगे, तो जवाब सवाल करना चाहता था। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब को ले जाया गया और उससे कहा कि ही इज ए जेंटलमैन, ही विल आंसर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आप पूछना चाहते हैं इससे आप अपना जवाब सवाल कर सकते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पूरा डिटेल में इंग्लिश में, डॉक्टर अंबेडकर साहब दो ही भाषा बोलते थे, इंग्लिश और मराठी, हिंदी उनको बहुत अच्छी आती नहीं थी और किसी भाषाओं को ज्ञान नहीं था, विदेश की भाषाओं की उनको नॉलेज थी। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब जवाब दिए तो वो सेटिस्फाई हुआ प्राइम मिनिस्टर और एग्री करा कि हाँ ये आदमी, ये डॉक्टर अंबेडकर आपके देश का संविधान लिख सकता है। इस चीज से सेटिस्फाई हुआ और आके फिर जब संविधान बनाने की बात आई, पूरे देश में जैसे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत समय से काम कर रही थी तो उन्होंने देखा ये हैं जैसे त्यागी जी हैं, ये हैं जी विश्वदयाल साहब, ये लिख लेंगे, नहीं तो ये दे देंगे जी संजय गुर्जर लिख लेगा, नहीं तो ये लिख लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, कोई इस देश का संविधान नहीं लिख सकता, लिख सकता है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश का संविधान लिख सकते हैं। और फिर उन्हीं को वो जिम्मेदारी सौंपी नहीं, उनको मेंबर बनाया गया, 6 मेंबर बने, 6 मेंबर कंस्टिट्यूट किए गए, 6 मेंबरों की एक कमेटी, संविधान कमेटी, उसमें बाबा साहब एक मेंबर थे और फिर उन 6 में से एक चेयरमैन बनाना था कि भाई एक चेयरमैन रहेगा उस कमेटी का, जैसे हम आप भी यहां बनाते हैं। तो उस कमेटी के फिर महात्मा गांधी ने चेयरमैन भी उस संविधान कमेटी का डॉक्टर अंबेडकर साहब को ही बनवाया और उसके वो चेयरमैन बन गए और 5 मेंबर बन गए। दोस्तों वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा, एक किताब भी बीच में आई थी वो अरुण शौरी की, उन्होंने लिखा हु वर्शिप द इंडियन गॉड्स, क्या कुछ ऐसा करके लिखी थी, उसमें लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। लेकिन उस किताब को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा, कहीं उन्होंने ये नहीं लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा, उन्होंने बताया ही नहीं उसको। दो हमारे 2-3 लोगों ने किताबें लिखी पढ़े लिखों ने, उसमें बताया पूरा डिटेल में कि किसने लिखा, कि भाई उन्होंने नहीं लिखा तो किसने नहीं लिखा, आपके आपके किसी पिताजी ने लिखा, दोस्त ने लिखा, किसने लिखा, फिर किस नेता ने लिखा, संविधान में तो उन्हीं का नाम लिखा हुआ है।
उन्होंने लिखा, ऐसे तो नहीं कोई कह सकता है, ऐसे कोई झूठ कह सकता है, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। तो वो संविधान लिखने की जब बात आ गई तो उसमें से 6 मेंबर बन गए, अब 5 मेंबर रह गए, एक चेयरमैन बन गए, एक मेंबर कुछ ही समय के बाद मर गए साथियों, उनके नाम भी और वो भी डेट ऑफ बर्थ वो भी सबके नाम और उनके कर्मकांड का भी बाद में डिटेल में अभी ऐसे ही बता देते हैं। उन 5 में से एक ही 1-2 महीने के बाद एक्सपायर हो गए और उनका कोई रिप्लेसमेंट दिया नहीं गया आज तक। अगर किसी को पता हो तो कोई बताए, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली कि उनका कोई रिप्लेसमेंट कभी दिया नहीं गया। एक विदेश में चले गए, अमरीका चले गए, वहां बिजनेस करने लगे, बिजनेसमैन बन के बड़े, वो कभी भारत लौट के नहीं आए, वो आज तक वो वहीं मर गए। अब आपके कितने 3 मेंबर रह गए, एक उनमें से एक को बहुत भयंकर तरीके की बीमारी थी, वो बहुत दिल्ली से दूर गए थे, वो कभी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। और दूसरे जो एक और 2 सदस्य जो रह गए, एक ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, वो दिल्ली के थे, कभी मीटिंग में आते नहीं थे। और सिंगल हैंडेडली फाइनली इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब को अकेले ही इस देश का संविधान लिखना पड़ा। ऐसे नहीं लिखा है, आप ये नहीं समझे। कई बहुत भ्रांतियां हैं, लोग कहते हैं अरे नहीं 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 उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब ने थोड़ी इस देश का पूरा संविधान लिख दिया। 6 मेंबर थे, 6 मेंबर नहीं थे दोस्तों, 5 मेंबर रह गए, एक चेयरमैन थे। और आपके सिर्फ चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का पूरे सिंगल हैंडेडली संविधान को लिखा और 25 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसे कुछ समय पहले हैंडओवर किया अपने समझ देश के नेताओं को। उनकी तस्वीर भी है, कई छपती है किताबों पर। तो सिंगल हैंडेडली बहुत सारे काम इस देश को करके गए हैं। तो अब आप देख लिए देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद 1947 के बाद भी इस देश को बनाने के लिए, और आज तक हमारा देश उसी संविधान से चल रहा है। क्योंकि बगैर संविधान बगैर सिस्टम के कोई इंस्टीट्यूट या कोई घर भी नहीं चल सकता है। घर में भी एक बड़ा होता है, उस पर पैसे होते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। जैसे हमारा घर चलता है ऐसे ही इंस्टीट्यूट चलता है, ऐसे ही एक देश चलता है, ऐसे ही देश का सिस्टम होते हैं, ऐसे ही पार्लियामेंट होती है, राज्यसभा होती है, विधानसभा है सारे देश की। तो उस सिस्टम को चलाने में वो पूरा बढ़िया तरीके से सिस्टम बना गए। और साथियों मुझे लगता नहीं जी हजारों साल सिस्टम बिगड़ेगा और कोई बिगाड़ पाएगा, क्योंकि बिगाड़ तो जब पाए कि इससे अच्छा सिस्टम कोई तैयार करने में तैयार हो जाए, इस देश के लोग इससे अच्छा सिस्टम कुछ बना लें तो अच्छा है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी लिख दिया है उसमें संविधान में कि आप जब समय से देश की परिस्थितियां बदलेंगी उसके हिसाब से चाहें तो अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं देश में। ऐसा नहीं छोड़ा है, कोई रिजिड नहीं बनाया है संविधान। उन्होंने अमेंडमेंट करने की बात डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखी है कि अगर देश में जब हालात बदलेंगे और ख्यालात बदलेंगे और परिस्थितियां चेंज होंगी, डेवलप करेगा हमारा देश, तो फिर आप उसमें अमेंडमेंट उसमें कर सकते हैं, अपने देश के हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके मौलिक अधिकार से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट, अभी मैं कुछ बोलूं और प्रेस वाले निकाल दें तो कंटेम्प्ट कोर्ट का केस लग जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट उस मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ करता है समय समय पर, जो नहीं करना चाहिए उनको, उनके दायरे में नहीं आती है। अभी भी उन्होंने किया है एक, अभी भी जो हमारे भाई चौक से बता रहे थे बड़ी चीज की भाई देश में देखो सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी में चलने लगा, खून खराबा हो गया, ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ, इसकी जड़ में कौन है, इसकी जड़ को सोचना चाहिए, हमारे देश के लोगों को इसको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। देश में खून खराबे की जरूरत नहीं है, गाली गलौज की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं देना चाहिए, किसी भी समाज को, दूसरे समाज को गाली देने का कोई राइट नहीं है। हमें तर्क से, हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने तर्क से, अपने विवेक से और अपनी चर्चा से विदेश के प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर दिया कि देश आजाद करना है तुम्हें, तो फिर अपनी चर्चा से अपना कन्विंस करिए, न कि गाली गलौच और मारकाट, और इससे नहीं है तो वो क्यों हुआ। लेकिन उसका सुप्रीम कोर्ट को सारा दोष देना चाहिए कि वो मौलिक कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें असेंबली में लिखा गया है वो,
तो उसको आप छेड़छाड़ क्यों करते हो? बार 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 कभी कुछ ले आते हो, कभी कास्ट का मसला ले आते हो सुप्रीम कोर्ट, कभी प्रमोशन का रिजर्वेशन ले आते हैं, कभी एस सी एस टी जो वो डाला गया एक्ट बनाया गया उस एक्ट में ले आते हैं। अच्छा, एक्ट बनाने का काम पार्लियामेंट में, डॉक्टर अम्बेडकर साहब थोड़ी एस सी एस टी का एक्ट बना के गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये तो राजीव गांधी ने बनाया था भाई, पार्लियामेंट को नहीं बनाना चाहिए था, देश के हित में नहीं है वो चीज, नहीं बनानी चाहिए थी। अगर वो बना दी, अब एक्ट बन गया, अब कानून बन गया, तब उस छेड़छाड़ में ना तो उसको राइट है और ना तो सुप्रीम कोर्ट को राइट है। उससे छेड़छाड़ करेंगे तो फिर देश में ऐसी उथल पुथल होगी। अब ऐसे नहीं है, लोग पढ़े लिख गए, बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देश के बाकी के नेताओं को भी पढ़ चुके हैं, हमने महात्मा गांधी डॉक्टर नेहरू साहब सबको पढ़ा, और बहुत सारी चीजें थी मेरे पास, मैं रखता, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं रखता, फिर आपके टाइम हो रहा है इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहूंगा। फिर कभी बहुत सारी चीजें हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब की, डॉक्टर अम्बेडकर साहब कोई व्यक्ति नहीं थे, व्यक्तित्व थे, वो ऐसे नहीं थे कोई, तो वो उनकी चीजें, उनका जन्मदिन ऐसे हल्के में नहीं मनना चाहिए, ये सही बात है। अगले बार से ये प्रण कर लें, यूनियन वालों ने अच्छा मनाया है लेकिन हॉल नहीं भरा, हॉल को भर जाना चाहिए और लोगों को अच्छी अच्छी बातें निकाल के लानी चाहिए और यहाँ लोगों के कान में डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने भी अभी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की अभी तक भी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, किताबें खुली हैं, पढ़ी हैं, हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ी हैं, घर में पढ़ी हैं, सब पढ़ी हैं, 10-20-30 किताबें, 50 किताब डिपार्टमेंट में भी हैं, तो पढ़ते निकाल के देते हैं, सारी बुक्स एज ए रेफरेंस बुक्स हो गई हैं, उन्होंने जो उसमें लिखा है, उनके बारे में जो लिखा गया है, उन सारी बातों को आज किसी को भी जानना, समझना, सुनना मुश्किलात है। तो सब कुछ कुछ निकाल के लाएंगे, देंगे तो बहुत अच्छी चीज होगी। डॉक्टर चौकसी भाई ने बहुत बढ़िया चीजें रखी कि भाई ये सही बात है, आप ये कॉपीराइट मत बनाइए, अपने एक समाज के नहीं थे वो, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया है, पूरे ह्यूमनिटी के लिए काम किया है, पूरी मानवता को काम किया है। ये हम मानते हैं कि वो जातवादी नहीं थे, वो मानवतावादी थे और वो महामानवतावादी इंसान थे, तो उन्होंने पूरी ह्यूमनिटी के लिए काम किया, कि कुछ लोगों के लिए नहीं काम किया। पहले कुछ नेताओं ने 1947 बजे कुछ लोगों के लिए काम किया, लेकिन उन्होंने पूरे देश के नेताओं को और पूरे देश के लोगों को काम किया, और इसीलिए उन्होंने कभी क्रिश्चियनिटी कबूल नहीं की, कभी मुस्लिम धर्म कबूल नहीं किया, उसमें माना कि ये विदेश का धर्म है, क्रिश्चियनिटी विदेश का धर्म है, नहीं, मैं ऐसा रिलीजन चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय हो, लोगों को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, सोशल जस्टिस की बात हो। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष रहो, किसी भाई ने बताया भी था, लेकिन उसमें वो एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं ले, एकेडमिक एजुकेशन से भी गई, शिक्षा को तो बाबा साहब ने बताया कि शिक्षा तो एक शेरनी का दूध, जब अपने बच्चों के इसे पिला दोगे तो वो शेर बन जाएंगे। तो शिक्षा और एक जादू भी है, शिक्षा एक जादू है जी, ऐसा जादू है शिक्षा जिसे पाके आप सब जानते हो, जिसे पाके आप क्या करना चाहते हो अपने लिए, अपने परिवार को लिए, अपने देश के लिए। और हमारे लोग बहुत सारे इंजीनियर बन के विदेशों के लिए काम कर रहे हैं, यूएसए, इंग्लैंड और दूसरे लोगों को काम कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार और अपने देश के लिए। तो शिक्षा को एक जादू कहा बाबा साहब ने, लेकिन उसके साथ ये शिक्षा जो कही है, ये सोशल एजुकेशन, बस मैं खत्म करूंगा, एक मिनट में खत्म करूंगा, वो सोशल एजुकेशन की बात कही थी, सामाजिक शिक्षा की बात, वो सोशल एजुकेशन से सोशल जस्टिस मिलेगा, सोशल एजुकेशन सिखाओ लोगों को जिससे सोशल जस्टिस हो इस देश में, ओवरऑल विकास हो, सबका विकास हो, और शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करें, सबको संगठित रहना चाहिए, सब अपने राइट्स के लिए तो सबको संघर्ष करना चाहिए, करते ही है, सब करना ही चाहिए। वो चीजें वो बहुत डिटेल में लास्ट में उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, उसका डिटेल में कभी बाद में हम मीनिंग समझाएंगे, इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग है, बहुत बड़ा, उस पर 1-2 घंटे बोल सकते हैं। अब मैं अपनी बात यहीं से खत्म करूंगा क्योंकि बहुत टाइम ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत झेल लिया, इतना झेलना भी बहुत मुश्किल है। जय भीम, जय भारत, नव होता है, जब इस देश में जय भीम ही जय भीम होगी तो आप देख लेना, मैं आपको बता दूं ना, हम उस वक्त नहीं होंगे, इस देश की भी जय होगी दूसरे देशों में। इसलिए जय भीम होना, उनकी बात को समझना, उनकी बात इंप्लीमेंट इस देश में हो जाएगी, तो जहां जब देश में जय भीम होगी तब पूरे देश की भी होगी जय। थैंक यू।